आज बनाते हैं बहुत ही सॉफ्ट सा दही वड़ा आसान रेसिपी के साथ। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम उड़द दाल के साथ में ही 50 ग्राम मूंग की दाल ली है। इन्हें 2 से 3 बार साफ पानी से मसल मसल कर धो लेंगे। अभी इसका सारा पानी निकाल देते हैं और 3 घंटे के लिए इसे पानी में भिगो कर रख देते हैं। 3 घंटे के बाद इसका सारा पानी निकाल देंगे और अभी इसे मिक्सर में डालकर पीस लेते हैं। तो यहाँ पर 1-2 चम्मच पानी का ही इस्तेमाल करें। अभी इसे समय हो तो 1 घंटे का रेस्ट दें और इसके बाद 1 छोटा चम्मच नमक और 1 पिंच खाने वाला मीठा सोडा डालकर इसे बहुत अच्छे से 2 से 3 मिनट तक फेंट लेंगे। अभी ये इस तरह से फ्लफी हो गया है, तो अभी हाई फ्लेम पर तेल को एक बार गर्म कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल छोटे साइज के वड़े हल्के गुलाबी होने तक उलट पलट कर तल लेंगे। याद रखिए गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। तो अभी मैंने एक तरफ पानी गर्म कर लिया है, तो वड़े निकाल कर हम सीधे गुनगुने पानी के अंदर डालेंगे। 10 मिनट तक इन्हें गुनगुने पानी में रहने दें, उसके बाद 15 मिनट तक इन्हें हम ठंडे पानी में रखेंगे। 1 लीटर दही में 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक और 2 चम्मच पिसी हुई शक्कर डालकर इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। वड़ा को और ज्यादा ठंडा करने के लिए आप बर्फ के पानी में भी डुबो कर रख सकते हैं। तो अभी इन्हें दबाकर इसका सारा पानी निकाल लेंगे। इसके ऊपर से दही, इमली की चटनी, लाल मिर्च पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और सॉफ्ट दही बड़े बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।